हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का एक फोर्थ पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चमोली के किस गांव से पाषाणकालीन समाधान मिले हैं? मलारी गांव से। मलारी गांव से 1956 में शिव प्रसाद डबराल को समाधान मिले थे। मलारी गांव का 1983 और 2001 में सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें पशु का पूर्ण कंकाल, नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन व 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला था। काठ गोदाम के निकट स्थित रानीबाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? जिया रानी के। कर्णावती को नाक काटने वाली रानी कहा जाता है। रानी खनेती सुदर्शन शाह की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 में उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। रानी गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न अंकित में से कौन सा है? कालसी। कालसी का अभिलेख देहरादून में सम्राट अशोक ने 257 ईसा पूर्व स्थापित करवाया था। इसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध ललित सुरदेव से है और यह संस्कृत भाषा में है। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? सक्के। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? महेंद्रचंद। महेंद्रचंद मोहनचंद का पुत्र था। 1790 में हवाला बाग के युद्ध में गोरखाओं ने महेंद्रचंद को पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। अल्मोड़ा या आलमनगर के संस्थापक हैं बालू कल्याणचंद। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर बसाया था। बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर बसाया था। सोमचंद ने राजबुंगा का किला चंपावत में बनवाया था। 1815 ईस्वी में आंग्ल नेपाल के बीच संगोली संधि हुई थी। वर्तमान में संगोली नामक स्थान स्थित है बिहार में। सन 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था? कुमाऊं परिषद का। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में होता है। चंद वंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था? रुद्रचंद। रुद्रचंद ने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 1588 में रुद्रचंद अकबर से मिलने लाहौर गया था। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था मानशाह। मानशाह के बाद श्याम शाह ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। श्याम शाह के बाद महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, जिसका वर्णन एंड्राडे ने किया है। निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है? उषा, राग उदय। महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है? उत्तर, कुरु। निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपने कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना कराई थी? अजयपाल ने। अजयपाल पवार वंश का 37वां शासक था। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था? 1815 में। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है हेमवंत। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914 में। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? 23 अप्रैल 1930 में। पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली थे। कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था 1948 में टिहरी गढ़वाल में, और इसमें नागेंद्र सकलानी शहीद हो जाते हैं। 1947 में टिहरी में सकलाना विद्रोह होता है। 1949 में टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में हो जाता है। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में। कत्यूरी शासकों की राजधानी थी कार्तिकेयपुर। उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है कोल। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कोल उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है। इसका नाम मुंडवा सुबर भी मिलता है। गंगाराम व खिमादेव नामक दो भाई शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन। 5 सितंबर 1942 में सल्ट कांड हुआ था, जिसमें गंगाराम व खिमादेव
नामक दो भाई शहीद हो गए थे। सल्ट अल्मोड़ा जनपद में सल्ट को कुमाऊं का बारदोली महात्मा गांधी ने कहा था। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में, और इसकी भाषा प्राकृत है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? हेनरी रामजे, यह कुमाऊं का छठा कमिश्नर था और इसका कार्यकाल 1856 से 1884 तक था। काड़ू मेहरा संबंधित है 1857 के विद्रोह से। काड़ू मेहरा ने एक गुप्त क्रांतिवीर संगठन बनाया था। गढ़वाल स्थित मलारे किस संस्कृति से संबंधित है? महापाषाणीय सवाधान से। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? स्कंद पुराण का। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड व कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? अल्मोड़ा को। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? हरिद्वार को। कथन ए, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। कारण आर, शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। ऊपर दो कथन दिए गए हैं, इन दो कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित कीजिए। योगेश्वर जागेश्वर का प्राचीन नाम है। गोथला गोपेश्वर का प्राचीन नाम है। कालूडांडा लैसडाउन का प्राचीन नाम है। पुनाड रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है। इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2। कूट देखते हैं, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए राइट आंसर है। शिवदत्त शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अल्मोड़ा जनपद से। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? ज्योति वर्मन से। इसमें विष्णु वर्मन का भी उल्लेख मिलता है। यह पूर्व शासकों से संबंधित है और इसकी खोज 1915 में होती है। तालेश्वर वर्तमान में पिथौरागढ़ जनपद में है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? पौरव वंश का। इनका राज्य ब्रह्मपुर था और इनका शासन 6वीं सदी से 8वीं सदी तक था। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? गोविषाण। कोटद्वार का प्राचीन नाम मोर्तवज था और ऋषिकेश का प्राचीन नाम वीरभद्र था। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट। अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया? अशोक चल ने। अशोक चल ने 1191 में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था। कराचल देव ने 1223 में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया। अमर सिंह थापा ने 1790 में कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? बाबर नामा। चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था? कूद। सिरती है नगद करता साहू या लेखकों को दिया जाता था जिसका अन्य नाम सावली था। भेंट या राजा और राजकुमारों को दी जाती थी। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? नजराना। भोटिया और सोका जनजाति तिब्बत को दस्तूर दिया करती थी जिस पर बाज बहादुर चंद ने रोक लगाई थी। ग्राम प्रधान थोकदारों को राजकर के अलावा दस्तूर दिया करता था। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? ज्ञानचंद के। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? शाहजहां ने। शाहजहां ने बाज बहादुर को जमींदार की उपाधि भी दी थी। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? बाज बहादुर चंद ने। किस चंद शासक ने दारा सिखों के भगोड़े बेटे सुलेमान सिखों को शरण देने से मना कर दिया था? बाज बहादुर चंद ने। सुलेमान सिखों को गढ़वाल के शासक पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? अजयपाल। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? अजयपाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है?
एक तरफ राजधानी है और दूसरी तरफ शासक है। श्रीनगर अजयपाल की राजधानी थी, यह सही है। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप की राजधानी थी, यह भी सही है। अल्मोड़ा कनकपाल की राजधानी, यह सही नहीं है। कनकपाल की राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी में 688 ईस्वी में पमार वंश की स्थापना की थी। सुदर्शन शाह की राजधानी टिहरी थी, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह सुमेलित नहीं है। परमार वंशी शासकों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन बी मानशाह का पुत्र श्यामशाह, श्यामशाह का चाचा महीपति शाह और महीपति शाह का पुत्र पृथ्वीपति शाह था, जिसकी संरक्षिका रानी कर्णावती थी। कौन सा पमार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? श्यामशाह। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था? महीपति शाह के। माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है और महीपति गर्वभंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? महीपति शाह ने। किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी शासन कर रही थी? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रानी कर्णावती थी, जो कि महीपति शाह की पत्नी थी। औरंगजेब ने सुलेमान सिखों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? राम सिंह को। निम्नलिखित में से एक कौन सा स्थान गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं था? देहरादून। गढ़वाल के परमार शासकों की पहली राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। चांदपुर गढ़ी से राजधानी देवलगढ़ अजयपाल लेकर गया और देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर अजयपाल लेकर गया था। श्रीनगर से राजधानी टिहरी को सुदर्शन शाह ने बनाया था। पमार वंश के शासनकाल में सुपकारपति हुआ करता था राजकीय भोजनालय का प्रभारी। सुमेलित युगम का चयन करें। विराट का किला पिथौरागढ़, यह सुमेलित नहीं है। बिसाड़ का किला जोशीमठ, यह भी सुमेलित नहीं है। मानेल का किला काशीपुर, यह भी सुमेलित नहीं है। खगमरा का किला अल्मोड़ा में, यह सुमेलित है और इसका निर्माण बिशम चंद ने करवाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केवल 4। सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? फतेहपति शाह ने। फतेहपति शाह ने 3 गांव दान में दिए थे, खुड़बुड्डा राजपुर और चमासारी। प्रदीप शाह ने 4 गांव गुरुद्वारे को दान दिए थे। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? हरसेवक दास। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? जोगामल शाह को। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? 1804 से 1815। गोरखा शासन में निम्न में से कौन एक भूमि करता? पुंगाड़ी। सलामी है नजराना करता, तिमारी है सैनिकों को वेतन देने के लिए लिया जाता था। गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था कुशई कर। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह। और टिहरी रियासत के अंतिम नरेश मानवेंद्र शाह थे। टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की, यह सही है। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, यह भी सही है। राजधानी टिहरी में डाकघर खोला, यह सही नहीं है। यहाँ पर 1 और 2 सही है। कूट देखते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ, केवल 1 और 2। उत्तराखंड के व्यक्ति जो नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर नियुक्त हुए? देव सिंह दानू। निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूम में जाने जाते हैं? कमिश्नर हेनरी रैमजे। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्न अंकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? सर हेनरी रैमजे ने। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? बेकेट। उत्तराखंड में कमेंड का क्या कार्य होता था? निश्चित गांव से राजस्व एकत्र करना। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? यहां पर थात होगा। भूमि को थात और भूमि के मालिक को थातवान कहा जाता था। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवालादत्त जोशी ने। सालम का शेर उपनाम से प्रसिद्ध है राम सिंह आजाद।
निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चार बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी चारधाम यात्रा पूर्ण हो गई है? बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? मोहन सिंह मेहता को। महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपने युवा साथियों के साथ दुगड्डा के निकट नाथूपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? भवानी सिंह के। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? कोसानी में। महात्मा गांधी कोसानी में 12 दिन रुके थे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन, ताड़ीखेत, वन अधिकारों की लड़ाई, तिलाड़ी, समय विनोद का प्रकाशन, नैनीताल, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, मसूरी। इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2। कूट देखते हैं, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं में होमरू लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? श्रीधर आजाद। इसकी स्थापना 1914 में मोहन जोशी चिरंजीलाल बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? होमवती को। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्रीगणेश किसके द्वारा किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। दुर्गादत्त जोशी ने 1941 में काशीपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? ज्योतिराम कांडपाल। गंगाराम तथा खीमादेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत सल्ट कांड 5 सितंबर 1942 में अल्मोड़ा में हुआ था। सल्ट को कुमाऊं का बारदोली महात्मा गांधी ने कहा था। सल्ट कांड में गंगाराम और खीमादेव नामक दो भाई शहीद हो जाते हैं। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। टिहरी का विलय भारतीय संघ में 1 अगस्त 1949 में हुआ था और यह यूपी का 50वां जिला बना था। निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तुलसी देवी ने। बिश्नी देवी उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला थी। निम्न में कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? दर्शन लाल पांडे। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो जाता है। दीप पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? पीटर बैरन को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कुमाऊं परिषद 1926 या सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना 1916 में होती है। अल्मोड़ा कांग्रेस 1927 या भी सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना 1912 में होती है। हिमालय सेवा संघ 1940 या भी सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना 1938 में श्रीदेव सुमन के द्वारा दिल्ली में होती है। गढ़वाल जागृति संस्था 1939 या सुमेलित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। श्रीदेव सुमन किससे संबंधित थे? टिहरी राज्य प्रजा मंडल से। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 में देहरादून में श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। डोला पालकी आंदोलन 1930 में जयनंद भारती ने चलाया था और इसका संबंध शिल्पकारों से था। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में, गढ़देश सेवा संघ की स्थापना 1938 में। तो इसका आंसर होगा 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 2, 4, 1, 3। निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक अध्यक्ष था? डीडी पंत। इनका पूरा नाम देवीदत्त पंत था। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में होती है। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था? या थे भगवान सिंह सिरोड़ा, ये हुए थे, भुवन सिंह, ये भी हुए थे, रविंदर रावत, ये 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए थे, प्रताप सिंह, ये भी खटीमा कांड में शहीद हुए थे। तो यहाँ पर 1, 2, 4 कूट देखते हैं, 1, 2, 4 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, धन्यवाद। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, धन्यवाद।